चलो बेटे। क्या बात है, ये लड़का सनक गया। ये भी गीत आपका सुना हुआ दीदी, और यकीन मानिए जब हमने आपको सुना तो दादा श्री शशिराज कमल जी से आपकी जवाबी थी। और दीदी मेरी एक आदत है, हमको जब कोई चीज अच्छी लगती है तो हम ये नहीं देखते किसका है। हम भी दादा से कहते दादा ये दीदी ने गाया है, ये हमको भी गाना है। बिल्कुल बेटा, लेकिन धुन हमने चुनी आप ही की। बिल्कुल, लेकिन मैटर हम अपना आपको बताएंगे। यही तो आनंद है बेटे। दादा एक गीत कभी आया था, कौन सा? बोल सबने बेटे, बोलो जल्दी। शाबाश, कैसे? एक एक लाइन को सुने। हाँ सुनिए। एक एक लाइन को सुने आप। हाँ शाबाश। विजन की वेदना जबड़े। शाबाश। विजन माने वन। क्या बात है। लेकिन
विजन की वेदनाओं पर कभी श्री राम ना रोए। वाह क्या बात। और विरह वाली व्यथाओं पर कभी घन श्याम ना रोए। जटायु के जब पंख निहारे। क्या बात है। जटायु पर निहारे तो भला रघुनाथ क्यों रोए। और मित्र के पग के लिए जो समर्पण आपने किया है वो हमारे बुंदेलखंड के लिए गौरव है। उससे समूचे कीर्तन जगत को आपने गौरवान्वित किया है। ऐसा व्यक्ति अद्वितीय व्यक्ति हमारे बुंदेलखंड के लिए रत्न के रूप में प्राप्त हुआ है जो पूज्यपाद दादा मैया दीन जी के चिरंजीव हैं। साधुवाद है। हम सबका स्वागत करते हैं। और आज हमारे शिव जयपुरिया जी भी एक शेर पढ़ना चाहते हैं। मैं माइक उनके हवाले कर रहा हूं। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुदेव। सबसे पहले तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें आदरणीय मेरे बड़े भैया देवेंद्र तिवारी जी। इनके लिए एक शेर कहूंगा। भैया आपका कोई जवाब नहीं। आपका गुरुजी जरा गौर फरमाएं। आपका कोई जवाब नहीं। आपसे बढ़कर कोई जनाब नहीं। आपका कोई जवाब नहीं। आपसे बढ़कर कोई जनाब नहीं। आपने तो बड़ी सेवा करी है कीर्तन वालों के लिए। आपकी रहमत का कोई हिसाब नहीं। धन्यवाद। माना कि जब घर छोड़कर जाती हैं बेटियां माता पिता परिवार को रुलाती हैं बेटियां। लेकिन प्रतियोगिता में बेटे जब नाकाम होते हैं, आप पिछला ओलंपिक देखिएगा, प्रतियोगिता में बेटे जब नाकाम होते हैं तो पदक जीत कर घर लाती हैं बेटियां। पदक घर जीत कर लाती हैं बेटियां। सारे बेटे हमारे नाकाम हो गए थे, तभी बेटियों ने भारत की शान रखी थी, गर्व रखा था। चार पंक्तियां और भेंट कर रहा हूं कि ये घर आंगन की तुलसी सी सदा घर आंगन को महकाती है बेटी। खुद पाती ना पाती स्नेह कभी पर नेह सदैव लुटाती है बेटी।
आती तो लाती है साथ खुशी, आती तो लाती है साथ खुशी, फट जाती है छाती जो जाती है बेटी। हमारे बुंदेलखंड में कहावत, बिटिया जब काहू की जावे तो धीर धरो ना रावे। आती है लाती है साथ खुशी, फट जाती है छाती जो जाती है बेटी, तो थाती है दाती है धाती है ये घर आपका आके सजाती है बेटी। थाती है दाती है धाती भी है घर आपका आके सजाती है बेटी। खास बात देखिएगा, चार पंक्तियां और भेंट करना चाह रहा हूं आपकी तालियों को सुन करके कि बट पीपल केला को पूज कभी सुख सुख और समृद्धि दिलाती है बेटी। बट पीपल केला को पूज कभी सुख और समृद्धि दिलाती है बेटी। खुशहाली बढ़े करवा तिलवा नवरात्रि में बाती जलाती है बेटी। कोई व्यक्ति यहाँ ये नहीं कह सकता कि मैंने अपनी पत्नी के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए कहीं कभी कोई व्रत रखा किसी ने, हाथ उठा के कह दे नहीं। लेकिन बेटियां कि खुशहाली बढ़े करवा तिलवा नवरात्रि में ज्योति बाती जलाती है बेटी। कभी अष्टमी नवमी व शुक्र शनि कभी गौरी गणेश मनाती है बेटी। लेकिन हर रोज भले उपवास रखे, हर रोज भले उपवास रखे पर सब खा ले तभी कुछ खाती है बेटी। हर रोज भले उपवास रखे सब खा ले तभी कुछ खाती है बेटी। इन बेटियों के लिए जितना भी कहा जाए कम पड़ जाएगा। मैं आवाज देता हूं, एक बेटी ने सवाल किया है, दूसरी बेटी जवाब लेकर के आ रही है। आवाज देता हूं कुमारी नीलम विश्वकर्मा जी को, आए और इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं। देखते हैं आप बेटी का समर्थन करते हैं या कुछ और बात अपनी लाते हैं। साधुवाद है, धन्यवाद है। आए कुमारी। बहुत ही बढ़िया चक्र अभी आप लोगों ने सुना है। सम्मानिया बहन जी ज्योति कमल जी के द्वारा जय हो बेटे। कर जीना नहीं आया। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। और वास्तव में बड़े भैया आप लोग कलाकार की ताकत हैं। इतनी भीषण सर्दी में हम लोगों को समय दे रहे हैं जो कुछ भी नहीं जानते। बिल्कुल समझदार लोग हैं। बहुत ही बढ़िया उत्तर आया है अभी आप लोगों ने सुना है। और का बेटे बहुत बढ़िया।
गाया है क्या? किशोर वीर मशहूर, किशोर वीर मशहूर, जहां में पुस्तक और चारूर अखाड़ा सज गया है, नगाड़ा बज गया है। बहन जी, इस गीत को आप समझ नहीं पाएंगे। आपने कहा है अखाड़ा हो गया है, कबाड़ा हो गया है। इसका मतलब क्या? अखाड़ा हो गया है, कबाड़ा हो गया है। आपके साथ बहुत ही अच्छे रचनाकार हैं दादा राजकमल जी। बहुत बढ़िया दादा है। और का दादा, बहुत कुछ लाया जा सकता था लेकिन अखाड़ा और नगाड़ा में आप फंस गए। दादागिरी ने कबाड़ा कर दिया। जबकि आप जानते हैं पचास ग्राम का ढोलक बाधा का है। अखाड़ा सजाया जाता है, अखाड़ा हो गया नहीं, और क्या, अखाड़ा सजाया जाता है। और तीनों जगह बाद ज्योति जी कहीं कोई स्वीकृति नहीं दे रहा कि हमको युद्ध करना है। जबरदस्ती उसको अखाड़े में उतारा गया है, अखाड़ा सज गया है, नगाड़ा बज गया है, अखाड़ा हो गया है, कबाड़ा हो गया है, बिगाड़ा हो गया है, उसका कुछ मतलब नहीं है। लेकिन आइए, अच्छा प्रयास है, स्वीकार है, आइए सुने। बहुत बढ़िया बेटे, आपने कहा है पूतना बिन बुलाई आई है। अच्छा, पूतना बिन बुलाई आई है और अपने काल को अपने सीने से लगा रही है। बहुत बढ़िया, केवल अखाड़ा हो गया और नगाड़ा हो गया के चक्कर में। लेकिन आइए सुनिए। सही बात, आइए सुनिए। और का सस्पेंस में बात ना रखो बस। आइए और का बड़े वाले सुनिए, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं बहुत देर हो रही है। ये कीर्तन का मंच है। कीर्तन में मजा कम आता है दादाजी, कीर्तन में मजा कम आता है, आनंद आता है। और अगर आनंद की प्राप्ति करनी है तो आपको थोड़ा सा तो सब्र करना पड़ेगा। और का बेटे, तीन चार तो बजने ही चाहिए। ज्योति जी, आपने कहा कि मैंने उस गीत को गाया है दादा शशिराज कमल जी से। बिल्कुल, लेकिन बहन जी मैं बता दूं, वो मैंने नहीं, उसे दादाजी ने मुझसे सवाल किया था, मुझसे जो बन पड़ा मैंने उसका जवाब दिया था। आइए मैं फिर प्रयास कर रही हूँ। चलो बेटे, जो हमने दास्ता अपनी सुनाई, जो हमने
सुननी है। बिल्कुल बेटे। लेकिन कथा में कथा तो होगी, कीर्तन अगर हो रहा है तो उसमें भगवत चर्चा ही होगी। बेटे बिल्कुल टेक्निकल कीर्तन सुनना है उनको। आपने कहा यदुनाथ क्यों रोए, रघुनाथ क्यों रोए, तो आइए प्रयास सुनिएगा। नहीं घबरा संकट में, घबराना नहीं चाहिए। ये उपदेश दिया है, नहीं घबरा संकट में, ये श्री राम सिखलाए। बिछड़ते हैं सभी अपने, ये श्री घनश्याम सिखलाए। बिछड़ते हैं सब, घबराना भी नहीं चाहिए। तो उधर जटायु सोच रहे हैं, और जटायु को देखकर प्रभु श्री राम भी सोच रहे हैं कि देखिए आज वो समय है कि माता जानकी की रक्षा में इसने पर कटा दिए। तो पराए होते हुए अपने, पराए होते हैं अपने, ये प्रभु राम सिखलाए। क्यों? क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि जटायु के प्राण माता जानकी की रक्षा में निकल गए, है ना। अतिथि भगवान होते हैं, जब कन्हैया ने सुदामा जी के चरण पखारे तो कहना क्या बेटे, अतिथि भगवान होते हैं,